हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव खत्री। और साइबर सिक्योरिटी लेक्चर सीरीज में आज जो मैं लेक्चर लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ, कैटेगराइजेशन ऑफ साइबर क्राइम। आज हम साइबर क्राइम की कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे कि साइबर क्राइम कौन कौन से टाइप के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आज के लेक्चर में जो तीन चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं, एक तो होगी आपकी हैकिंग कवर करने जा रहा है। हैकिंग एक्चुअल में होती क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हैकिंग जो होती है उसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैकिंग से। हैकिंग एक्चुअल में होती क्या है? ओके, हैकर, पहले हम बात करते हैं हैकर की। हैकर क्या होता है? हैकर एक ऐसे अनऑथोराइज यूज़र होते हैं जो कि आपके डेटा पर अटैक करके उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपके डेटा पर अगर अटैक किया गया और उसको एक्सेस करने की कोशिश की गई हो, लेकिन भले ही उस हैकर ने आपके डेटा में किसी भी टाइप का डैमेज ना किया हो या आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डैमेज ना किया हो, लेकिन फिर भी जो हैकिंग है एक तरह से साइबर क्राइम ही है। इसीलिए क्योंकि हैकिंग से वो आपके प्राइवेट डेटा जो होता है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए जो हैकिंग होती है या हैकर्स होते हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम तीन कैटेगरीज देखेंगे कि हैकर्स की कितनी कैटेगरीज होती है। यहाँ पर होता है वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं। एन इथिकल कंप्यूटर हैकर और अ कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्रामर एक्सपर्ट्स सॉरी इथिकल हैकर जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं उन्हें हम इथिकल हैकर्स भी कहते हैं, जो कि टेस्टिंग मेथोडोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं, स्किल्ड ऑपरेटर होते हैं। उन्हें हैकिंग के बारे में और कंप्यूटर के से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उनके पास में होती है, वो एक स्किल्ड ऑपरेटर होते हैं। जो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए और उसे ठीक करने के लिए उसे हैक करते हैं। और ये जो हैकर्स होते हैं इनके पास में ऑथेंटिकेशन होता है, परमिशन होती है, और इनका इंटेंशन भी ठीक होता है, ना कि किसी पर्सन या किसी यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डैमेज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इनका इंटेंशन क्या होता है? केवल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना। आफ्टर दैट नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं वाइट हैट हैकर्स तो हमने देख लिया। आफ्टर दैट ब्लैक हैट हैकर्स। अब जैसे कि इसके नाम से यहाँ पर शो हो रहा है ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं? दे कॉज डैमेज आफ्टर इंट्रूजन। ये क्या करते हैं? आपके डेटा को पहले हैक करते हैं, हैक करके आपके डेटा को चुरा कर उस डेटा में क्या करते हैं, उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो आपके डेटा को क्या करने की कोशिश करते हैं? डैमेज करने की कोशिश करते हैं एंड आपके डेटा में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर देते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं, या फिर आपके डेटा में आपकी इंफॉर्मेशन में अटैक करके वायरसेस या मालवेयर किसी भी तरह का इन्फेक्ट उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो हैकर्स होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, इन्हें हम ऑल्सो क्रैकर्स भी कहते हैं, ये क्रैकर्स भी कहलाते हैं। आगे चल के हम जो लेक्चर में देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन हैकर्स एंड क्रैकर्स या फिर हैकर्स वर्सेस क्रैकर उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए हमारे वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स। अब जो थर्ड पॉइंट आता है इन दोनों हैकर्स के बीच में, जो तीसरा वाली कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स। अब देखिए कि जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं इनका काम क्या होता है कि ओकेजनली कभी कभी ये हमारे डेटा को हैक करके कभी कभी उनको डैमेज करने की कोशिश करते हैं, मगर इनका जो इंटेंशन होता है वो डेटा को हैक करके इनका इंटेंशन तो ठीक होता है, पर कभी कभी ये बिना परमिशन के डेटा को हैक कर लेते हैं और डेटा को डैमेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो हैकर्स होते हैं उन्हें हम ग्रे हैट हैकर्स बोलते हैं, जो कि वाइट और ब्लैक दोनों के बीच में लाए करते हैं। ओके, तो कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम हमने देखा। अब अगले लेक्चर में हम